गाइस एक रात में जादुई पत्थर ने एक छोटे से मंत्री को जन्म दिया जो बहुत ही शरारती था। जब उसे पता चलता है कि उसकी आंखों से लेजर निकलती है तो वह बहुत खुश होता है, लेकिन अनजाने में उसकी लेजर स्वर्ग के राजा जेड के महल तक पहुंच जाती है, जिससे राजा नाराज होकर उस बंदर को खत्म करने का आदेश दे देते हैं। लेकिन तभी लॉर्ड बुद्धा वहां प्रकट होते हैं और बताते हैं कि यह एक शक्तिशाली जीव है जिसका जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है। दूसरी ओर जब वो मंकी अपने जैसे और बंदों को देखता है तो उनके साथ रहने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अपनाते नहीं है और एक बड़ा मंत्री उसे समझाता है कि उसे नियमों का पालन करना चाहिए। जीव स्वर्ग के अमर जीव ही बिना नियमों के रह सकते हैं। तभी वहाँ एक डीमन वॉटरफॉल से बाहर आ जाता है और एक छोटे से मंत्री को पकड़ कर ले जाता है और इसका दोस्त उस मंत्री को ही बताते हैं। इससे मंकी गुस्सा होकर वहाँ से वापस आ जाता है और नारियल से निशाना लगाने की प्रैक्टिस करने लगता है। सालों बाद वो बड़ा हो चुका था और उसने अपना निशाना भी पक्का कर लिया था। तभी एक दिन वापस से वही डीमन बंदर को पकड़ने फिर से आ जाता है और एक बेबी मंत्री को पकड़ने वाला ही होता है। तभी हमारा हीरो वहां आ जाता है और डीमन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई बात नहीं बन पाती और फिर से वो डीमन बेबी मंकी को पकड़ कर ले जाता है। फिलहाल उसके पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए वो समुद्र के ड्रैगन किंगडम से हथियार लेने के लिए निकल जाता है। समुद्र में उसे एक मैजिकल स्टिक मिलती है जो हजारों साल से उसका इंतजार कर रही थी और उससे बात भी कर सकती थी, और मंकी के कहने पर वो स्टिक अपना साइज छोटा कर लेती है, जिसके बाद वो उसे लेकर समुद्र से